जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मुसव्वर अली कमल। आज हम मिल के डर के बारे में बात करते हैं कि डर असल में है क्या चीज़। मसलन फियर कितने किस्म के हैं दोस्तों? मेरे नज़दीक जो फियर हैं वो दो किस्म के हैं, एक अच्छा डर और दूसरा बुरा डर। अच्छा डर वो है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत लाजमी है। मैं आपको मिसाल से ये बात समझाता हूँ, यानी कि अगर आप किसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर चले जाते हो और उधर आप एक फसील पर चलने लग पड़ते हो और आप कहते हो कि मुझे डर ना लगे भाई, मुझे, मैं तो फियरलेस हूँ, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, नहीं, कभी भी नहीं, ये डर आपके लिए बहुत अच्छा डर है। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल कल आपकी स्कूल में प्रेजेंटेशन है, कल आपने स्पीच एक देनी है स्कूल में, तो अब आप डर रहे हो कि उधर तो 40 बंदे होंगे, 50 बंदे होंगे या 100-200 बंदे होंगे, उनके सामने मुझे स्पीच देनी पड़ेगी, और वो आप डरे हो। इस अपने डर को कॉन्कर करो आप, ये डर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, ये हमारे लिए बुरा डर है, उसको फेस करो, उसका सामना करो और स्कूल में जाके वो अपनी जो प्रेजेंटेशन है, स्पीच है, वो लाजमी दो। अक्सर बंदों के जेहन में ये आता है कि हम कोई ना कोई ये ज़्यादातर बहाना बनाते हैं कि हम छुट्टी कर लेते हैं। अगर छुट्टी आप कर लोगे आज तो आप इस छुट्टी करके एक स्पीच नहीं दे पाओगे, मगर आगे वाली ज़िंदगी में आपके लिए ये बहुत नुकसानदेह चीज़ बन जाती है, क्योंकि ये बाद में आपकी आदत बन जाती है, ये आपकी हैबिट्स में शामिल हो जाती हैं ये चीज़ें। किसी चीज़ का सामना आप आज करते हो तो कल आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के आप मास्टर हो जाते हो। तो इसके बाद देखते हैं, अब जैसे कि एक डर होता है, किसी को पानी का डर होता है कि मैंने पानी में नहीं कूदना, अगर मैं पानी में कूदा तो मैं डूब ना जाऊं, काफ़ी किस्म के पानी को लेके बंदों के अंदर डर होते हैं। उसका आसान हल ये है कि आप कम से कम पानी में अपना स्विमिंग करना सीखो, तैरना सीखो। जब कम से कम पानी में आप तैरना सीखोगे तो अब बताएं कि क्या डर रहा। जब आप थोड़े से पानी में तैरेंगे, उसके फिर उससे ज़्यादा पानी में तैरेंगे, फिर उससे ज़्यादा पानी में तैरेंगे और फिर एक दिन आप गहरे से गहरे पानी में भी जाके तैरना शुरू कर देंगे। अब इधर ये नहीं करना कि हमें जाके नहर में, दरिया में छलांग लगा देनी है, जी मैंने नहीं डरना, मेरे अंदर से डर ख़त्म हो गया, तो आप पानी में डूब के मर भी सकते हो। इसी तरह काफ़ी बंदों के अंदर बहुत ज़्यादा किस्म के फियर होते हैं, और सबसे ज़िंदगी में मेरे नज़दीक, अगर मैं हत्ता के ख़ुद भी मेरे अंदर कई तरह के फियर हैं, मगर मैं उनको कॉन्कर करने की पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, तो सबसे अगर हमारी आजकल के दौर में अगर देखें तो नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है तो वो डर ही है। अगर आप इसकी डीप में जाएंगे, अगर आप इसकी गहराई में जा कर देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप ज़िंदगी में नाकाम हो रहे हो तो किसी को इंसानों का डर, किसी को हालात का डर, किसी को मौत का डर, किसी को चेंजिंग का डर, किसी को बीमारी का डर, बहुत किस्म के डर हैं। अगर हम डर के बारे में बात करते रहे तो 12 घंटे भी गुजर जाएंगे मगर डर नहीं ख़त्म होंगे। डर बहुत किस्म के हैं, मगर डरना किस वक्त चाहिए और किस वक्त नहीं डरना चाहिए, अपने हक के लिए आप लड़ रहे हो उधर आपको डरना नहीं चाहिए। अगर उधर आप डरने लग पड़े तो आप ज़िंदगी में नाकाम हो जाओगे। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर कोई बंदा हालात से, सबसे बड़ा डर हमारे अंदर ये होता है मौत का डर, हालात को भी छोड़ते हैं, सबसे पहले मौत का डर होता है। मौत का डर क्या डर है, हम डर किस चीज़ से रहे हैं? मौत यानी कि क्या, मौत चेंजिंग से हम डरते हैं। आप अगर इस डर की गहराई में जाएंगे आपको पता चलेगा कि डर आपको किसी चीज़ से नहीं लग रहा, हालात से नहीं लग रहा, आपको सिर्फ चेंजिंग से डर लग रहा है। किसी को ये डर होता है जी एक मकान छोड़ दें तो दूसरे मकान में जाने का, पता नहीं उधर का माहौल कैसा होगा, उधर के लोग कैसे होंगे, एक शहर में है तो शहर छोड़ने का डर, एक गांव में है तो गांव छोड़ने का डर, एक जगह पे है तो दूसरी जगह जाने का डर, एक अगर आपके पास पैसा है तो गुर्बत का डर, हर तरफ आप जाएंगे तो आपको बेसिक डर ही नज़र आएगा।
और नाकामी की सबसे बड़ी जो वजह है वो भी डर ही है। अगर आप अपने डर को कॉन्कर कर लेते हो तो यकीन करें आप और मैं ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। मगर इस डर को कॉन्कर करना कोई आसान काम नहीं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक पेपर और पेंसिल लें, उसके उसकी दरमियान में लाइन खींचें और एक तरफ अपने अच्छे फियर लिखें और एक तरफ अपने बुरे फियर लिखें। मसलन आपके आपके लिए जो अच्छे डर हैं उनको लिखें एक तरफ, दूसरी तरफ उनको लिखें जो आपके लिए अच्छे डर नहीं हैं। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो अब आप उन पर टिक मार करते जाएं कि मैंने आज किस डर को ख़त्म करना है, कल किस डर को ख़त्म करना है, परसों किस डर को ख़त्म करना है। और उनका तरीका भी सिंपल है। जब हम सोच में जाते हैं, डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं तो हर चीज़ सिंपल हो जाती है। ये हमारी एक इमेजिनेशन है जिस पे हमने हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, मुश्किल से मुश्किल बनाया हुआ है। तो जब आप डीप में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें सिंपल लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अरूज उस वक्त को कहते हैं जब जवाल शुरू होता है। एक छोटा सा मिसरा, अरूज उस वक्त को कहते हैं जब जवाल शुरू होता है। मगर मसलन के अब अगर किसी का बुरा वक्त है या किसी का अच्छा वक्त है तो उसे बुरा वक्त आने से डर लग रहा है कि कल मेरा बुरा वक्त ना आ जाए, तो उसको यह समझ लेना चाहिए कि अरूज उस वक्त को कहते हैं जब जवाल शुरू होता है। इधर एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा, आपको कोई चीज़ भी, वासफ अली वासफ का बहुत अच्छा ये मिसरा है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा ये उनका कॉल है कि अगर आपको कोई चीज़ छोटी या बुरी तभी लगती है जब आप उसे दूर से देखो या गरूर से देखो। ठीक हो गया दोस्तों, आज मैं इतनी सी स्पीच बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी पसंद आएगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि मैं ऐसी और बनाऊँ, पहली थी बहुत गलतियाँ भी